हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हेयर टोनर लेके आई हूँ जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाएगा, और ये हेयर टोनर बालों को लंबा भी करेगा। आप मार्केट में हेयर टोनर लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और उसमें केमिकल भी होता है जो हमारे बालों के लिए हार्मफुल होता है। आप घर पर ही हेयर टोनर बनाएंगे और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आधा कटोरी चावल लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके 4-5 गुड़हल की पत्तियां और 4-5 ही गुड़हल के फूल डालें। उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालें और इसको आप गैस पे रख दें, लो फ्लेम पे इसको बॉईल होने दें। मैं बताती हूँ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हैं वो बालों के लिए क्या काम करते हैं। तो चावल तो आप लोगों को पता ही होगा कि चावल का पानी कितना फेमस है, बहुत ही परफेक्ट कंडीशनर का काम करता है। इससे बाल सिल्की शाइनी और मुलायम होते हैं क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड इसमें गुड़हल की पत्ती और फूल, जो कि क्या करते हैं, बालों को लंबा करते हैं, घना मजबूत बनाते हैं, बालों से रूसी को भी दूर करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 8 से 10 मिनट बॉईल होने दें, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका ही खूबसूरत कलर दिखाई देगा। तो आप इसको गैस को ऑफ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और ठंडा होने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद एक बाउल में रखें, इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लें और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे ऐसे छोड़ दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें, आप देखेंगे आपके बाल कितने सिल्की शाइनी और स्मूथ नज़र आएंगे। तो आप लोग ये हेयर टोनर ज़रूर बनाएं और एक बार ज़रूर यूज करें, तो आपको एक बार में ही बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।